हेलो एवरीवन वेलकम टू एफ क्लास इलेवन एंड 12 आज की वीडियो में हम क्विक रिवीजन करने वाले हैं फॉर कंप्लीट आईटी टी इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कोड एट जीरो टू इसमें हम सभी चैप्टर्स कंप्लीट करेंगे फ्रॉम यूनिट वन टू यूनिट फाइव स्टार्टिंग विद यूनिट वन कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन सो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट इज़ ऑन एंड ऑफ सिग्नल्स डिनोट वन एंड जीरो रिस्पेक्टिवली ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ऑन डिनोट करता है वन एंड ऑफ डिनोट करता है जीरो देन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंप्यूटर ऑल दीज करेक्टरिस्टिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड देन कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर एंड यहाँ पर ब्लॉक डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है ब्लॉक डायग्राम डायरेक्टली भी एग्जाम में पूछा जा सकता है एंड उसके सब पार्ट्स भी पूछे जा सकते हैं जैसे कि इनपुट यूनिट क्या होता है आउटपुट यूनिट क्या होता है एंड जितने भी सब टॉपिक्स यहाँ पर गिवन है स्टोरेज यूनिट सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट सो यहाँ पर कोई भी टास्क हम कंप्यूटर को देते हैं तो वो एक आई साइकिल फॉलो करता है मीन्स इनपुट प्रोसेस आउटपुट साइकिल पहले हम इनपुट देंगे उसकी प्रोसेसिंग एंड देन हमें आउटपुट मिलता है देन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मींस वो यूनिट जिसकी वजह से सारी प्रोसेसिंग होती है जो भी हम इनपुट देते हैं उस डेटा का प्रोसेस सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में होता है एंड इट कंप्राइज ऑफ टू यूनिट्स कंट्रोल यूनिट एंड एरेथमेटिक लॉजिक यूनिट दैट इज एल स्टोरेज कैपेसिटी को डिनोट करने के लिए कुछ स्पेसिफिक यूनिट्स यूज की जाती हैं एंड ये टेबल इंडिकेट करती है इन सभी यूनिट्स का कन्वर्जन सो so, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है एंड इसमें से एटलीस्ट एक क्वेश्चन ज़रूर आता है सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टेबल यू हैव टू लर्न इट देन टू टाइप्स की मेमोरी होती है प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी प्राइमरी मेमोरी के दो क्लासिफिकेशन होते हैं रैम एंड रोम रैम मींस रैंडम एक्सेस मेमोरी टू टाइप्स की होती है डी रैम एंड एस रैम डी रैम स्टैंड्स फॉर डायनेमिक रैम एंड एस रैम स्टैंडस फॉर स्टेटिक रैम देन रोम मीन्स रीड ओनली मेमोरी यहाँ पर थ्री क्लासिफिकेशंस होते हैं पी रोम मीन्स प्रोग्रामेबल रोम EPROM पी रोम मीन्स इरेजिबल प्रोग्रामेबल रोम एंड ई ई पी रोम मीन्स इलेक्ट्रिकली इरेजिबल प्रोग्रामेबल रोम देन मेमोरी एक हाई स्पीड मेमोरी होती है जो हम CPU and primary एंड प्राइमरी मेमोरी के बीच में लगाते हैं एंड ये एक बफर की तरह एक्ट करती है means मेन मेमोरी को एक्सेस करने का एवरेज टाइम रिड्यूस करती है देन ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर जो हमें हेल्प करता है कंप्यूटर हार्डवेयर से इंटरेक्ट करने के लिए मींस एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसकी हेल्प से यूज़र एंड कंप्यूटर हार्डवेयर इंटरेक्ट करते हैं एग्जांपल्स विंडोज़ लिनक्स

टाइम पर एक ही टास्क कर पा रहे हैं तब वो सिंगल टास्किंग है एंड अगर एक टाइम पर एक ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीपल टास्क कर सकता है इसका मतलब वो मल्टी टास्किंग है देन सिंगल यूजर एंड मल्टी यूजर मीन्स कितने यूजर्स वो ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट करता है उसके बेसिस पर ये क्लासीफिकेशन है देन रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम मीन्स जो रियल टाइम में रिस्पॉन्स देता है एंड देन बैच प्रोसेसिंग सिस्टम मीन्स जहाँ पर हम डिफरेंट जॉब्स को एक साथ एक ब्लॉक में क्लब कर देते वहां पर हम जॉब्स को डिफरेंट एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हैं सिमिलर जॉब्स का एक ग्रुप बना दिया जाएगा एंड देन उसे एग्जीक्यूट किया जाएगा एंड इसमें हमारा ज़्यादा इंटरवेंशन नहीं होता है यह प्रोसेस हमारे इंटरवेंशन के बिना वर्क कर सकता है देन प्रोसीडिंग टू यूनिट नेटवर्किंग एंड इंटरनेट सो द फर्स्ट इम्पोर्टेंट टर्म इज़ बैंडविट बैंडविट बताता है कि एक इंटरनेट कनेक्शन पर मैक्सिमम कितना डेटा ट्रांसफ़र हो सकता है मीन्स मैक्सिमम डेटा ट्रांसफर रेट क्या है किसी भी नेटवर्क या फिर किसी भी इंटरनेट कनेक्शन का देन यहाँ पर हमें एक फिगर गिवन है जहाँ पर कम्युनिकेशन प्रोसेस को शो किया गया है यहाँ पर एक सेंडर होता है एक रिसीवर होता है सेंडर रिसीवर को मैसेज सेंड करता है एंड कहाँ पर सेंड करता है ऑन अ चैनल मीन्स एक मीडियम सो मीडियम टू टाइप के होते हैं गाइडेड एंड अनगाइडेड गाइडेड का मीन्स है जो वायर्ड है मीन्स जहाँ पर हम वायर्स यूज कर रहे हैं एंड अनगाइडेड का मतलब है वायरलेस मीन्स जहाँ पर हमें वायर्स यूज नहीं करने हैं सो गाइडेड मीन्स वायर्ड हम कहाँ पर यूज करते हैं जैसे ट्विस्टेड पेयर केबल कोएक्शिल केबल ऑप्टिकल फाइबर केबल एंड वायरलेस जैसे कि रेडियो वेव्स माइक्रोवेव्स इंफ्रा रेड वेव्स सो इनकी हेल्प से भी हम एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं मीन्स ये दोनों ही कम्युनिकेशन मीडियम के टाइप्स हैं देन कम्युनिकेशन के थ्री मोड्स होते हैं फर्स्ट इज सिंप्लेक्स मोड मीन्स जहाँ पर सेंडर रिसीवर को इन्फॉर्मेशन सेंड कर सकता है बट रिसीवर सेंडर को कोई इन्फॉर्मेशन सेंड नहीं कर सकता मीन्स कम्युनिकेशन सिर्फ वन वे होगी देन हाफ ड्यूप्लैक्स मोड मीन्स जहाँ पर सेंडर रिसीवर को इन्फॉर्मेशन सेंड कर रहा है एंड रिसीवर भी सेंडर को इन्फॉर्मेशन सेंड कर सकता है बट ये दोनों चीज़ें डिफरेंट टाइम पर होंगी सेम टाइम पर नहीं होंगी एंड अगर सेम टाइम पर हो रही हैं मीन्स सेंडर एंड रिसीवर एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन एक टाइम पर शेयर कर पा रहे हैं तब वो होता है फुल ड्यूप्लेक्स मोड कंप्यूटर नेटवर्क्स के टू बेसिक पर्पस हैं फर्स्ट इज रिसोर्स शेयरिंग मींस हम कंप्यूटर नेटवर्क की हेल्प से डिफरेंट रिसोर्सेज डिफरेंट नेटवर्क डिवाइसेस शेयर कर सकते हैं ओवर अ कंप्यूटर नेटवर्क एंड कम्युनिकेशन मींस हम अगर कंप्यूटर नेटवर्क में कनेक्टेड हैं तो उस कंप्यूटर नेटवर्क में जितनी भी नोड्स प्रेजेंट हैं वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकती हैं एंड रिसोर्स भी शेयर कर सकती हैं सो दीज टू आर द बेसिक परपज एंड एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्कस नेटवर्क डिवाइसेस, रिपीटर हब ब्रिज स्विच राउटर गेटवे वे एंड इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट है गेटवे, जो दो डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ पर ऑपरेट करने वाले नेटवर्क्स को कनेक्ट करता है कोई भी नेटवर्क कितने बड़े एरिया में अवेलेबल है इस चीज के बेसिस पर नेटवर्क को डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया गया है जैसे सबसे स्मॉलर एरिया के लिए हम यूज़ करते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क देन लोकल एरिया नेटवर्क फॉर एग्जाम्पल किसी एक बिल्डिंग में किसी एक कंपनी या फिर स्कूल में लोकल एरिया नेटवर्क होगा देन मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क मीन्स एक सिटी में जो भी नेटवर्क होगा देन वाइड एरिया नेटवर्क मीन्स ऐसा नेटवर्क जो कि एक पार्ट को दूसरे पार्ट से कनेक्ट करें ये पार्ट थाउजेंड किलोमीटर रेंज से ज़्यादा में होते हैं मीन्स

अरेंजमेंट को कहते हैं टोपोलॉजी सो so, यहाँ पर हमें डिफरेंट टाइप्स की टोपोलॉजीज गिवन है फर्स्ट इज़ बस टोपोलॉजी यहाँ पर एक मेन केबल होता है एंड बाकी नोड्स उससे कनेक्टेड होती हैं देन रिंग टोपोलॉजी यहाँ पर सारी नोड्स एक रिंग की फॉर्म में कनेक्टेड होती हैं देन स्टार टोपोलॉजी यहाँ पर एक सेंट्रल कंट्रोलर होता है जिसे हम कहते हैं हब एंड उससे सारे डिवाइसेस कनेक्टेड होती हैं देन मेस टोपोलॉजी मींस जितनी भी नेटवर्क में डिवाइसेस प्रेजेंट हैं सारी डिवाइसेस एक दूसरे से कनेक्टेड होंगी देन ट्री टोपोलॉजी ये एक हाइब्रिड टोपोलॉजी है जिसमें हम बस टोपोलॉजी एंड स्टार टोपोलॉजी का मिक्सचर यूज़ करते हैं मींस दोनों टोपोलॉजीज का यूज़ होता है देन मैक एड्रेस एंड आई पी एड्रेस ये वे है किसी भी डिवाइस को यूनिकली आइडेंटिफाई करने का अगर मैक एड्रेस की बात करें तो ये परमानेंट एड्रेस होता है एंड ये कभी चेंज नहीं होता है बट आई पी एड्रेस चेंज हो सकता है देन डोमेन नेम रिजोल्यूशन जब हम वेब ब्राउजर पर कोई भी यूआरएल एंटर करते हैं तब वहां पर उस यूआरएल में एक डोमेन नेम होता है एंड उस डोमेन नेम के करस्पॉन्डिंग आईपी एड्रेस फाइंड करने के प्रोसेस को कहते हैं डोमेन नेम रिजोल्यूशन देन वेरियस टाइप्स ऑफ इंटरनेट सर्विसेज आर अवेलेबल फॉर एग्जाम्पल ई मेल मीन्स इलेक्ट्रॉनिक मेल फाइल ट्रांसफर टेलनेट एंड डब्लू डब्ल्यू डब्ल्यू जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में वेब भी कहते हैं सो so, यहाँ पर हमें दो प्रोटोकॉल्स गिवन है ईमेल के लिए एस एम टी पी एंड पी ओ पी थ्री एस एम टी पी स्टैंड फॉर सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल एंड पी ओ पी थ्री स्टैंड फ़ॉर पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल देन वेब के लिए हम यूज़ करते हैं एच टी टी पी मीन्स हाइपर टेक्स ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल ये तीनों प्रोटोकॉल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं एंड आपको लर्न करने हैं देन हेयर इज़ द टी सी पी आई पी मॉडल यहाँ पर हमें फोर लेयर्स गिवन है एप्लीकेशन लेयर ट्रांसपोर्ट लेयर इंटरनेट लेयर एंड लिंक लेयर इनके करेस्पॉन्डिंग प्रोटोकॉल्स भी हमें यहाँ पर गिवन है मीन्स ये लेयर कौन से प्रोटोकॉल के बेसिस पर वर्क करती हैं वो प्रोटोकॉल्स यहाँ पर मैंशन है एप्लीकेशन लेयर वर्क्स ऑन एच टी टी पी एंड पी ओ पी थ्री ट्रांसपोर्ट लेयर वर्क्स ऑन टी सी पी एंड यू डी पी एंड यहाँ पर आपको याद रखना है टी सी पी ज़्यादा रियालाइबल होता है कंपेयर टू यू डी पी देन इंटरनेट लेयर वर्कस ऑन आई पी प्रोटोकॉल देन लिंक लेयर वर्क्स ऑन इथरनेट प्रोटोकॉल सो ये था टी सी पी आई पी मॉडल देन मालवेयर्स मीन्स ऐसे मेलिशियस सॉफ्टवेयर जो एक कंप्यूटर सिस्टम के नॉर्मल फंक्शनिंग को अफेक्ट करते हैं डिस्टर्ब करते हैं सो so, यहाँ पर ये थ्री टाइप्स के मालवेयर्स गिवन हैं वायरस वॉर्म एंड ट्रॉजन हॉर्स देन यहाँ पर डिफरेंट साइबर क्राइम्स गिवन है मीन्स ऐसे क्राइम जिनमें एक नेटवर्क डिवाइस इन्वॉल्व होती है मीन्स जो ये क्राइम कर रहा है वो एक नेटवर्क डिवाइस की हेल्प से कर रहा है या फिर जो विक्टिम है इस क्राइम का वो एक नेटवर्क डिवाइस की वजह से इस क्राइम का विक्टिम बना है देन इट इज़ कॉल्ड साइबर क्राइम दैन नेटवर्क सिक्योरिटी टूल्स एंड सर्विसज़ आर गिवेन सबसे पहले नेटवर्क क्लेयर सिक्योरिटी जहाँ पर हम एस एस एल की बात करते हैं दैन पासवर्ड मैनेजर मीन्स जहाँ पर हम पासवर्ड स्टोर करते हैं सो दैन एंटी वायरस मीन्स ऐसा प्रोग्राम जिसकी हेल्प से हम अपने सिस्टम में अवेलेबल वायरस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं एंड उसे रिमूव कर सकते हैं देन फायर वॉल्स मीन्स जब हमें किसी भी नेटवर्क को प्रोटेक्ट करना है तो हम एक प्रोटेक्शन लेयर यूज़ करते हैं इसे कहते हैं फायर वॉल एंड ये थ्री टाइप्स की हो सकती है हार्डवेयर फायर वॉल जो हार्डवेयर की फॉर्म में हो सॉफ्टवेयर फायर वॉल मीन्स वो एक सॉफ्टवेयर हो एंड एक नेटवर्क फायरवॉल जो एक नेटवर्क के लिए ऑपरेट करती है देन साइबर लॉ मीन्स ऐसे लॉज जो कि साइबर क्राइम से डील करने के लिए बनाए गए हैं वो होते हैं साइबर लॉज देन प्रोसीडिंग टू यूनिट थ्री ऑफिस ऑटोमेशन टूल्स यहाँ पर हम थ्री टाइप्स के सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ने वाले हैं फर्स्ट इज वर्ड प्रोसेसिंग जिसके लिए हम यूज करने वाले हैं ओपन ऑफिस राइटर एंड इसकी एक्सटेंशन होती है डॉट ओ डी टी देन स्प्रेडशीट इसके लिए हम यूज करने वाले हैं ओपन ऑफिस केल्क इसकी एक्सटेंशन होती है डॉट ओ डी एस देन प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर के लिए हम यूज़ कर रहे हैं ओपन ऑफिस इम्प्रेस एंड इसकी एक्सटेंशन है डॉट ओ डी पी देन यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंस गिवन है जो आपके पूरे चैप्टर में इम्पोर्टेंट है सो so, फर्स्ट डिफरेंस सेव कमांड एंड सेव एस कमांड सो सेव कमांड हम तब यूज़ करते हैं जब हमारा वर्क ऑलरेडी सेव्ड है एंड जो भी चेंजेस हमने किए हैं हम सिर्फ वो सेव करना चाहते हैं बट सेव एस कमांड हम दो केस में यूज़ कर सकते हैं पहला केस जब हम पहली बार किसी फाइल को सेव कर रहे हैं एंड सेकेंड केस जब हमें एक ऑलरेडी सेव्ड फाइल की लोकेशन एंड नेम चेंज करना है उस केस में हम सेव एज कमांड को यूज़ करते हैं देन नेक्स्ट डिफरेंस मूव टेक्स्ट एंड कॉपी टेक्स्ट मूव टेक्स्ट के केस में हम टेक्स्ट को कट एंड पेस्ट करते हैं कॉपी टेक्स्ट के केस में हम कॉपी एंड पेस्ट करते हैं सो मूव टेक्स्ट ओरिजिनल लोकेशन से टेक्स्ट को रिमूव कर देगा एंड न्यू लोकेशन पर पेस्ट कर देगा एंड कॉपी टेक्स्ट के केस में ओरिजिनल एंड न्यू लोकेशन दोनों पर टेक्स्ट अवेलेबल रहेगा देन एनिमेशन एंड ट्रांजिशन एनिमेशन एक स्लाइड के एलिमेंट्स पर अप्लाई होता है एंड ट्रांजिशन दो स्लाइड्स के बीच में जो टाइम है एंड जब एक स्लाइड दूसरे स्लाइड पर जा रही है तब उसके बीच में जो इफेक्ट अप्लाई हो रहा है उसको कहते हैं ट्रांजिशन दैन कम्पोनेंट्स ऑफ मेन स्क्रीन ओपन ऑफिस राइटर में ये सभी कंपोनेंट्स अवेलेबल होते हैं देन कैल्क मेन विंडो में ये सभी कंपोनेंट्स अवेलेबल होते हैं एंड ओपन ऑफिस इंप्रेस में ये सभी कंपोनेंट्स होते हैं सो so, यहाँ पर हमें मेन याद रखने हैं कि यहाँ पर कौन कौन से टैब्स डिफरेंट हैं तो इसके लिए मैंने यहाँ पर सेपरेटली आपको हाईलाइट किया है ब्लू कलर से जो टैब यहाँ पर डिफरेंट है मीन्स फाइल एडिट व्यू इंसर्ट फॉर्मेट टूल्स विंडो हेल्प ये सभी टैब्स आपको तीनों सॉफ्टवेयर्स में मिलेंगे बट यहाँ पर जो डिफरेंट है वो है टेबल इन केस ऑफ ओपन ऑफिस राइटर डेटा फॉर कैल्क मेन विंडो एंड स्लाइड शो फॉर ओपन ऑफिस इम्प्रेस तो ये तीनों यहाँ पर डिफरेंट होते हैं बट बाकी सारे टैब्स यहाँ पर सेम होते हैं एंड ये आपको याद रखना है ग्रिड लाइन्स एंड बॉर्डर्स दोनों डिफरेंट होते हैं ग्रिड लाइन्स की बात करें तो एक स्प्रेडशीट में बाय डिफॉल्ट प्रेजेंट होती हैं ग्रिड लाइन्स रो एंड कॉलम को डिफ्रेंशिएट करने के लिए मीन्स जब हम एक स्प्रेडशीट में वर्क कर रहे हैं तो वहाँ पर दो मेन चीज़ हैं रो एंड कॉलम तो हमें कैसे पता चलेगा कहाँ पर रो है एंड कहाँ पर कॉलम ये चीज़ आइडेंटिफाई करने के लिए ग्रिड लाइन्स बाय डिफ़ॉल्ट प्रजेंट होती हैं बट बॉर्डर्स ये हम ड्रॉ करते हैं ये बाय डिफ़ॉल्ट प्रजेंट नहीं होते हैं हमें अलग से ड्रॉ करने पड़ते हैं एंड ग्रिड लाइन्स बाय डिफ़ॉल्ट प्रिंट नहीं होती हैं ऑटोमेटिकली बट बॉर्डर्स अगर हमने ड्रॉ किए हैं तो वो ऑटोमेटिकली प्रिंट हो जाते हैं देन अगर हमने कोई ऐसा टेक्स्ट लिखा है जो एक सेल की विथ को एक्सीड कर रहा है तो वहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शन हैं फर्स्ट इज रैप टेक्स्ट एंड सेकेंड इज श्रिंक टू फिट तो रैप टेक्स्ट की बात करें तो यहाँ पर रो की हाइट बढ़ जाती है कॉलम वर्थ सेम रहेगी बट रो की हाइट इंक्रीज़ हो जाएगी एंड फॉन्ट साइज़ भी सेम रहता है मीन्स यहाँ पर टेक्स्ट को रैप कर दिया है एक रो को साइज़ इंक्रीज़ करके बट अगर श्रिंक टू फिट की बात करें तो यहाँ पर रो हाइट भी सेम रहेगी कॉलम वर्थ भी सेम रहेगी बट जो फॉन्ट साइज है वो स्मॉल हो जाता है एंड इसे कहते हैं श्रिंक टू फिट कॉमन नंबर फॉर्मेट्स करेंसी परसेंट स्टैंडर्ड डेसिमल स्टेट इन सभी को एक्सप्लेन करना होगा अगर ये क्वेश्चन आता है देन सेल एड्रेसिंग ये थ्री टाइप्स की होती है मींस हम एक सेल के एड्रेस को थ्री टाइप्स से बता सकते हैं एंड स्प्रेडशीट में जब भी हम कोई फार्मूला कॉपी पेस्ट करते हैं तो वहाँ पर सेल एड्रेस चेंज होगा या नहीं होगा ये सेल एड्रेसिंग के ऊपर डिपेंड करता है फॉर एग्ज़ाम्पल फ़र्स्ट टाइप एब्सोल्यूट एड्रेसिंग अगर हमें कोई फार्मूला चेंज नहीं करना है अगर हम उस फार्मूला को कॉपी पेस्ट भी कर रहे हैं तब भी जो सेल एड्रेस था वो सेम रहना चाहिए इसके लिए हम यूज़ करते हैं एब्सोल्यूट एड्रेसिंग फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर हमें ए थ्री के एड्रेस को फिक्स रखना है एब्सोल्यूट रखना है चेंज नहीं करना है तो हम यहाँ पर रो एंड कॉलम दोनों के आगे डॉलर साइन लगाते हैं एंड ये डॉलर साइन इंडिकेट करता है कि ये दोनों चीज़ फ़िक्स्ड है एंड ये चेंज नहीं होंगी बट अगर रिलेटिव एड्रेसिंग की बात करें तो यहाँ पर फार्मूला जैसे जैसे चेंज होगा मीन्स हम डिफरेंट सेल्स में जब फार्मूला को पेस्ट करेंगे तो उसके साथ सेल का एड्रेस भी चेंज हो सकता है तो यहाँ पर रिलेटिव एड्रेसिंग के लिए हम कोई डॉलर साइन यूज़ नहीं करेंगे एंड मिक्सड एड्रेसिंग की बात करें तो ये एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव का मिक्सचर है मींस यहाँ पर हम एक चीज़ फिक्स्ड रखेंगे एंड एक चीज़ रिलेटिव रखेंगे फॉर एग्जाम्पल अगर हमें एक कॉलम को फिक्स्ड रखना है तो हम उसके आगे डॉलर सिम्बल यूज़ करेंगे एंड अगर रो को फिक्स नहीं रखना है रिलेटिव रखना है तो उसके आगे डॉलर सिम्बल यूज़ नहीं करना है सो दिस इज हाउ वी हैव थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल एड्रेसिंग देन देर आर डिफरेंट व्यूज इन प्रेजेंटेशन मीन्स हम प्रेजेंटेशन को डिफरेंट व्यूज में देख सकते हैं जैसे कि आउटलाइन नॉर्मल स्लाइड शॉटर स्लाइड शो नोट्स पेज हैंड आउट पेज एंड इस पर बेस्ड शॉर्ट क्वेश्चन आंसर मिल सकता है देन प्रोसीडिंग टू यूनिट फोर रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात माइस केस सेंसिटिव नहीं होता है मतलब अगर हम माई सिक्वल में जो कमांड दे रहे हैं वो अपर केस में है या फिर लोअर केस में है वो मैटर नहीं करता है दोनों ही केस की कमांड सेम ट्रीट होंगी एंड यहाँ पर केस मैटर नहीं करता है देन आर डी बी एम एस टर्मिनोलॉजी में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स गिवन है एंड एग्ज़ाम में एटलीस्ट टू टर्म्स पूछी जाएंगी सो फर्स्ट इज डोमेन मीन्स हम एट्रीब्यूट की वैल्यूज जिस सेट से लेने वाले हैं उसे कहते हैं डोमेन देन रिलेशन मीन्स एक रिलेशनल डेटा बेस में टेबल को कहते हैं रिलेशन देन रिकॉर्ड मीन्स एक ऐसा रो या फिर टपल जिसकी हेल्प से हम एक एंटिटी की कंप्लीट इंफॉर्मेशन को देख सकते हैं उसे कहते हैं रिकॉर्ड इसके दूसरे नेम्स हैं रो एंड टपल देन फील्ड की बात करें रिलेशनल डेटाबेस की टर्म्स में कॉलम को कहते हैं फील्ड एंड इसका दूसरा नेम होता है एट्रीब्यूट सो so, एक एट्रीब्यूट या फिर फील्ड डिनोट करता है एक टाइप की वैल्यूज़ को मीन्स एक एट्रीब्यूट में सिर्फ एक टाइप की वैल्यूज़ मिल सकती हैं देन की की इज़ द मिनिमल सुपर की मतलब अगर हम इसमें से कोई भी एट्रीब्यूट रिमूव करते हैं तो फिर वो सुपर की नहीं रहती है ये मिनिमल सुपर की है एंड इसलिए हम इसको मिनिमल बोल रहे हैं क्योंकि अगर एक भी रिमूव किया कॉलम तो वो सुपर की नहीं रहेगी देन प्राइमरी की मींस एक ऐसी की जिसकी हेल्प से यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसी भी रिलेशन को देन कैंडिडेट की मींस ऐसा सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स जिसकी हेल्प से हम प्राइमरी की चूज़ कर सकते हैं मींस जो भी कॉलम्स प्राइमरी की में काउंट हो सकते हैं प्राइमरी की बन सकते हैं उन सभी का सेट होता है कैंडिडेट की देन ऑल्टरनेट की जो कीज़ प्राइमरी की नहीं बन पाती हैं वो सभी ऑल्टरनेट की होती हैं देन फॉरेन की जब एक टेबल की प्राइमरी की दूसरी टेबल में यूज़ की जाती है तब उसे कहते हैं फॉरेन की एंड ये सभी टर्म्स थी आर डी बी एम एस टर्मिनोलॉजी में सो so ये आप सभी को लर्न करनी है दैन कैटेगरीज ऑफ सीक्वल कमांड्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन ज़रूर आता है एंड ये ट्वेल्थ क्लास के लिए भी इम्पॉर्टेंट होता है सो so, कैटेगरीज में टू कैटेगरीज हैं फर्स्ट इज़ डी डी एल कमांड्स मीन्स डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज यहाँ पर हम ऐसी कमांड्स यूज करते हैं जिससे टेबल के स्ट्रक्चर को चेंज किया जाता है क्रिएट किया जाता है या फिर डिलीट किया जाता है सो एग्ज़ाम्पल्स हैं क्रिएट टेबल ऑल्टर टेबल एंड ड्रॉप टेबल देन सेकेंड टाइप इज डी एम एल कमांड मीन्स डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज कमांड सो यहाँ पर ऐसे कमांड्स यूज करते हैं जिसकी हेल्प से हम डेटा की मैनिपुलेशन करते हैं मीन्स डेटा एंटर करते हैं या फिर डेटा को अपडेट करते हैं या फिर डिलीट करते हैं मीन्स जो भी वर्क है वो हम डेटा में कर रहे हैं जो टेबल में स्टोर्ड है र द टू टाइप्स ऑफ सीक्वल कमांड्स देन देर आर वेरियस डेटा टाइप्स इन माई सीक्वल कैर एंड वेयर केयर फॉर टेक्सट डेटा मीन्स अगर हमें टेक्सट देना है तो उसके लिए हम कैर एंड वेयर केयर टाइप यूज कर सकते हैं एंड अगर हमें न्यूमेरिक डेटा देना है तो उसके लिए हम डेसिमल या फिर इंटीजियर डेटा टाइप यूज़ करते हैं देन लाइक कीवर्ड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है एंड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पर हम दो वाइल्ड करेक्टर्स यूज करते हैं फर्स्ट इज अंडर स्कोर एंड सेकेंड इज परसेंट सिम्बल सो अंडर स्कोर की बात करें तो ये सिर्फ सिंगल कैरेक्टर को डिनोट करता है बट अगर परसेंट सिम्बल की बात करें तो ये एक स्ट्रिंग को डिनोट करता है एंड यहाँ पर जीरो या उससे ज्यादा करेक्टर्स होते हैं मीन्स जरूरी नहीं है कि अगर परसेंट लगा हुआ है तो इसका मतलब वहां पर करेक्टर होगा हो सकता है कि वहां पर करेक्टर ना भी हो बट अगर हमने अंडरस्कोर यूज किया है तो एक अंडरस्कोर एक करेक्टर को डिनोट कर रहा है तो हमें जितने करेक्टर्स डिनोट करने हैं उतने अंडरस्कोर इंडिकेट करने होंगे एंड जब हमें नहीं पता कि हमें एक्जैक्टली exactly कितने करेक्टर्स यूज करने हैं तो तब हम परसेंट सिम्बल यूज करते हैं देन प्रोसीडिंग टू यूनिट 5 जावा प्रोग्रामिंग जावा केस सेंसिटिव लैंग्वेज होती है यहाँ पर आप कोई वेरिएबल नेम स्मॉल लेटर्स में दे रहे हैं एंड सेम वेरिएबल नेम आप अपर केस में दे रहे हैं वो दोनों डिफरेंट हैं तो यहाँ पर केस मैटर करता है एंड जो अगर हम बात करें किसी भी स्टेटमेंट की किसी भी सिंटेक्स की तो आपको वहाँ पर एज इट इज़ केस यूज़ करना होता है अगर आपने केस डिफरेंट किया मींस अगर कहीं पर स्मॉल लेटर बनना था एंड आपने कैपिटल लेटर यूज़ किया तो वो गलत हो जाता है क्योंकि यहाँ पर केस मैटर करता है तो आपको केस ध्यान में रखना होता है जावा लैंग्वेज यूज़ करते टाइम देन जी ओ आई बिल्डर की हेल्प से हम पैलेट से कंट्रोल्स प्लेस करते हैं डिज़ाइन एरिया में एंड ड्रैग एंड ड्रॉप फीचर कहते हैं इसे देन हमें यहाँ पर जितने भी कंट्रोल्स गिवन हैं ये दो टाइप्स के होते हैं फर्स्ट इज पैरेंट और कंटेनर कंट्रोल्स मीन्स ऐसे कंट्रोल्स जिनमें हम बाकी कंट्रोल्स प्लेस करते हैं एंड जो कंट्रोल्स प्लेस किए जाते हैं उन्हें कहते हैं चाइल्ड कंट्रोल्स सो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ कंट्रोल्स कंट्रोल्स मीन्स कंपोनेंट्स ओके सो यहाँ पर जितने भी कंपोनेंट्स गिवन हैं उनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ आपकी बुक में आपके सिलेबस में गिवन हैं वो सभी इम्पॉर्टेंट हैं गेटर्स एंड सेटर्स ये मेथड्स के टाइप्स हैं मीन्स गेटर मेथड की बात करें तो यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट के लिए इन्फॉर्मेशन इनपुट में एक्सेप्ट करते हैं एंड प्रोग्राम को रिटर्न करते हैं एंड सेटर्स की बात करें तो सेटर मेथड ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ को चेंज करते हैं सो so दैट उनकी अपेयरेंस चेंज हो पाए देन जे टेक्स्ट फील सिंगल लाइन टेक्स्ट के लिए यूज़ करते हैं जे लेबल सिंगल लाइन टेक्स्ट और इमेज के लिए यूज़ करते हैं एंड जे टेक्स्ट एरिया मल्टीपल लाइन टेक्स्ट के लिए यूज़ करते हैं दीज थ्री आर वेरी इंपॉर्टेंट दैन डिफ़ॉल्ट इको करेक्टर एस्टेरिस्क होता है मीन स्टार सिम्बल सो यहाँ पर जब यूज़र को सेवरल चॉइसेस प्रोवाइड करनी है एंड अलाउ करना है सिर्फ एक सेलेक्ट करने के लिए तब रेडियो बटन या फिर कॉम्बो बॉक्स का यूज़ करते हैं एंड प्रेफरेंस देते हैं रेडियो बटन के बजाय कॉम्बो बॉक्स को कॉम्बो बॉक्स को प्रेफरेंस मिलती है क्योंकि यहाँ पर बॉक्स स्पेस स्पेसा करते हैं जब यूजर को मल्टीपल चॉइस देनी है बट अलाउ करना है कि वो मल्टीपल ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं तब हम बॉक्स या फिर लिस्ट यूज करते हैं एंड यहां पर प्रेफरेंस मिलती है लिस्ट को जे ऑप्शन पेन यूज़ करने से पहले हमें जे ऑप्शन पेन को इंपोर्ट करने के लिए एक स्टेटमेंट देनी होती है प्रोग्राम के बिगनिंग में सो so यहाँ पर टू टाइप्स के स्टेटमेंट गिवन है फर्स्ट स्टेटमेंट हम तब देंगे जब हमें सिर्फ जे ऑप्शन पेन लाइब्रेरी चाहिए बट अगर हमें एंटायर लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी है तब हम एस्टेरिस सिंबल यूज करेंगे जो ये इंडिकेट करेगा कि एंटायर लाइब्रेरी हमें इंपोर्ट करनी है देन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में थ्री टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं डेटा एंड कैप्सुलेशन पॉलीमॉर्फिज्म एंड इनहेरिटेंस मेजर कंपोनेंट्स की बात करें क्लास जो डेटा एंड कैप्सुलेशन के लिए यूज की जाती है देन ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास देन डेटा मेंबर्स एंड मेथड्स डेटा मेंबर्स में एक्चुअल डेटा होता है एंड मेथड्स की बात करें तो ये एक्शन परफॉर्म करने के लिए यूज़ किए जाते हैं देन एक्सेस स्पेसिफायर एंड विजिबिलिटी मोड्स ये स्पेसिफाई करते हैं कि जो मेथड हमने किसी भी क्लास के अंदर स्पेसिफाई किया है वो कहाँ कहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं देन डिफरेंस बिटवीन कैर एंड स्ट्रिंग डेटा टाइप इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कैर डेटा टाइप की बात करें तो ये तब यूज़ करेंगे जब सिंगल कैरेक्टर यूज़ करना है सिंगल कैरेक्टर वैल्यू देनी है एंड ये सिंगल कोर्ट्स में इंक्लोज किया जाता है वैल्यू को एंड स्ट्रिंग डेटा टाइप की बात करें तो ये स्ट्रिंग वैल्यू के लिए यूज़ करेंगे एंड इसे डबल कोर्ट्स में इंक्लोज करते हैं इक्वल टू एंड सिंपल असाइनमेंट दोनों ऑपरेटर्स के बीच डिफरेंस बहुत इम्पॉर्टेंट है इक्वल टू रिलेशनल ऑपरेटर होता है जिसकी हेल्प से हम दो वैल्यूज को कंपेयर करते हैं कि वो इक्वल हैं या फिर नहीं एंड सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर की हेल्प से हम वैल्यू असाइन करते हैं दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दैम देन वेरिएबल डिक्लेरेशन इस पर बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है तो वेरिएबल डिक्लेरेशन के लिए सबसे पहले डेटा टाइप मैंशन करना है देन वेरिएबल नेम मैंशन करना है एंड सेमी कॉलन लगाना है अगर यहाँ पर वैल्यू भी इनिशलाइज करनी है तो उस केस में सेमी कॉलन से पहले सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करेंगे एंड देन वैल्यू लिखेंगे देन सेमी कॉलन पुट करेंगे देन अगर वेरिएबल नेम करने हैं तो उसके लिए कुछ रूल्स होते हैं एंड वो रूल्स याद रखने होते हैं इस पर बेस्ड क्वेश्चन आता है वैलिड एंड इनवैलिड वेरिएबल नेम्स आइडेंटिफाई करने के लिए सो so, ये सभी रूल्स याद होने चाहिए देन पार्ट्स डबल मेथड ये हम तब यूज करते हैं जब हमें गिवन डेटा टाइप को डबल डेटा टाइप में यूज करना है मीन्स चेंज करना है देन टू स्ट्रिंग मेथड हम तब यूज करते हैं जब गिवन डेटा टाइप को स्ट्रिंग डेटा टाइप में चेंज करना है देन इफेल स्टेटमेंट यहाँ पर सिंटेक्स गिवन है सबसे पहले इफ की वर्ड मैंशन करना है पेरेंथीसिस में कंडीशनल एक्सप्रेशन को इनक्लोज करना है यहाँ पर ये यह पेरेंथिस बहुत इंपॉर्टेंट है आपको यहां पर कंपल्सरी है कंडीशनल एक्सप्रेशन पेरेंथिस में ही आएगा देन कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करने हैं एंड स्टेटमेंट ब्लॉक मैंशन करना है मीन्स अगर ये कंडीशनल एक्सप्रेशन ट्रू होता है तो क्या स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी वो आपको यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट्स में मैंशन करनी है एंड अगर ये सिर्फ एक स्टेट है तो कर्ली ब्रैकेट्स ऑप्शनल हैं आप लगा भी सकते हैं एंड नहीं भी बट अगर ये मल्टीपल स्टेटमेंट्स हैं तब आपको लगानी है कंपल्सरी देन एल्स में उसके बाद आप स्टेटमेंट ब्लॉक मेंशन करते हैं अगर ये कंडीशनल एक्सप्रेशन फॉल्स होता है तब आपको क्या एग्जीक्यूट करना है कौन सी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करनी है वो स्टेटमेंट आप एल्स कीवर्ड के बाद देते हैं देन स्विच स्टेटमेंट यहाँ पर स्विच स्टेटमेंट का सिंटेक्स गिवन है सबसे पहले स्विच कीवर्ड के साथ एक्सप्रेशन मेंशन करना है पैरेंथेसिस में देन कर्ली ब्रैकेट्स में डिफरेंट केस मेंशन करने हैं सो so, यहाँ पर केस कीवर्ड के बाद आप वैल्यू प्रोवाइड करेंगे ये वैल्यू हम एक्सप्रेशन से मैच करते हैं एंड अगर ये वैल्यू मैच हो जाती है एक्सप्रेशन से तो इसके करस्पॉन्डिंग स्टेटमेंट्स एक्सिक्यूट होती हैं देन ब्रेक स्टेटमेंट लगाते हैं हर केस के बाद मीन्स जो भी केस आपने मैंशन किया है फर्स्ट केस सेकेंड केस ईच केस के बाद आपको ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ करनी है अगर आपने ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ नहीं की तो एग्जीक्यूशन वहाँ पर नहीं रुकता है एंड दूसरे केस पर चला जाता है इसलिए आपको ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ करनी होती है सिमिलरली आपको जितने भी केस यहाँ पर मैंशन करने हैं आप मैंशन करेंगे देन एट लास्ट आपको एक डिफ़ॉल्ट केस देना होता है मीन्स अगर कोई भी केस वैल्यू मैच नहीं की उस केस में कौन सी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होनी है वो डिफ़ॉल्ट पार्ट में मेंशन करते हैं सो so, यहाँ पर डिफॉल्ट कीवर्ड मेंशन करेंगे करस्पॉन्डिंग स्टेटमेंट देंगे जो यहां पर एग्जीक्यूट होंगी देन अगेन ब्रेक स्टेटमेंट देनी है एंड कर्ली ब्रैकेट्स को क्लोज करना है विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द रिविजन फॉर क्लास इलेवन इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कोड एट जीरो टू इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्लास ट्वेल्व सैम्पल पेपर बुक परचेज़ करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है बाकी इंपॉर्टेंट लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन में गिवन है आप चेक कर सकते हैं